अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल के लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एचटीएमएल फॉर्म्स। तो सबसे पहले हम एचटीएमएल फॉर्म्स की डेफिनेशन देखते हैं। एन एचटीएमएल फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। HTML फॉर्म क्या होता है, यानी हम इस्तेमाल करते हैं जो भी यूज़र की इनपुट होती है उसको इकट्ठा करने के लिए। यानी यूज़र ने कुछ जो भी इंफॉर्मेशन देनी हो वो पेज पर जब हम शो करवाते हैं तो उसके लिए हम क्या चीज़ें फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। द यूज़र इनपुट कैन देन बी सेंट टू द सर्वर फॉर द प्रोसेसिंग। तो यूज़र जो इनपुट है, यानी जो यूज़र इनपुट है वो क्या करता है कि यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई होती है वो जो वेब सर्वर होता है उसको मुहैया कर दी जाती है, और वेब सर्वर जो है उसे फिर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद क्या चीज़ें फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता है। द फॉर्म एलिमेंट्स, द एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट्स यूज टू क्रिएट एन एचटीएमएल फॉर्म फॉर यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट के लिए जब भी हमने कोई भी फॉर्म क्रिएट करना है तो उसके लिए जो हम टैग इस्तेमाल करेंगे वो फॉर्म का होगा। तो सबसे पहले हम जब भी कोई भी टैग इस्तेमाल करते हैं तो जिस तरीके से फॉर्म का टैग इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले फॉर्म स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम कोई भी वैल्यूज़ वगैरह लिख सकते हैं, और इसी तरीके से फॉर्म के एलिमेंट्स वगैरह चंद होंगे वो लिखेंगे, और लास्ट में हम क्या चीज़ें यानी फॉर्म का जो टैग है उसे क्लोज कर देंगे। तो ये क्या चीज़ें, ये फॉर्म का एक सिंटैक्स है किसी भी फॉर्म को बनाने के लिए। फॉर्म एलिमेंट्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स। फॉर्म के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि हमने फॉर्म में एक किस्म का काम नहीं करना होता, काफ़ी किस्म के काम होते हैं। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट फील्ड हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, सबमिट बटन हो गया, एंड मोर, इस तरह सो ऑन बहुत सारे हो सकते हैं, और इनमें से दो या तीन जो हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे एग्जाम्पल के ज़रिए। तो ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स एलिमेंट्स आर कवर्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर, यानी इसी चैप्टर में क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो HTML फॉर्म्स एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला जो है जी इनपुट एलिमेंट्स। सबसे पहले तो देखा जाए इनपुट एलिमेंट्स क्या होता है। द इनपुट एलिमेंट्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट्स। इनपुट एलिमेंट्स वो फॉर्म इनपुट टैग्स होता है जब हमने यूज़र से कोई भी वैल्यूज़ लेनी हो, तो यहाँ क्या चीज़ें यूज़र इनपुट के ज़रिए प्रोसेसर को हमने कोई वैल्यूज़ देनी हो। एंड इनपुट एलिमेंट्स कैन बी डिस्प्ले इन मैनी वेज। इनपुट जो है, इनपुट एलिमेंट जो है वो मुख्तलिफ वेज के ज़रिए क्या चीज़ें हम किसी भी एट्रीब्यूट्स को दे सकते हैं। तो वो सम जो एग्जांपल एट्रीब्यूट्स की वो कौन कौन सी हैं, वो तीन हैं। सबसे पहली जो है इनपुट टाइप टेक्स्ट की है। टेक्स्ट जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल लाइन टेक्स्ट है इनपुट फील्ड। यानी अगर हमने एक सिंगल लाइन की टेक्स्ट इनपुट देनी हो, यानी कोई लफ्ज लिखना हो टेक्स्ट फॉर्म में, तो उसके लिए क्या चीज़ें हम इनपुट टाइप टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड है वो है इनपुट टाइप रेडियो, तो डिस्प्ले रेडियो बटन। अगर हमने रेडियो बटन डिस्प्ले करवाना हो, फॉर सेलेक्ट वन फॉर मैनी चॉइस, अगर बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो, मिसाल के तौर पर मेल है, फीमेल है या अदर है, तो इनको जब हम शो करवाते हैं तो रेडियो बटन के ज़रिए शो करवाए जाते हैं, और इनमें से किसी हम एक को सेलेक्ट करते हैं। और जो लास्ट है इनपुट टाइप सबमिट, तो यानी जब हम ये सबमिट बटन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मिसाल के तौर पर हम यूज़र नेम लिखते हैं और उसका पासवर्ड लिखते हैं, और उसके बाद क्या चीज़ें साइन अप का बटन आता है या सबमिट का बटन आता है, तो या लॉगिन का बटन आता है, तो वो जो बटन किस तरह बनता है वो सबमिट से बनता है, क्रिएट किया जाता है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट डिफाइन अ सिंगल लाइन इनपुट फील्ड फॉर टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट के लिए जो हम टैग इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा होगा, इनपुट टाइप डबल कोटेशन में, उसके बाद की चीज़ें हम टैक्स लिखेंगे। हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं कि भी किस तरीके से हम इसके प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले हम डॉस टाइप HTML जिस तरीके से बाकी प्रोग्राम बनाए हैं वैसे ही ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे HTML के टैग से। फिर उसके बाद HTML लिखेंगे, फिर बॉडी, और उसके बाद क्या चीज़ें हम कोई भी हेडर वगैरह अगर देना हो तो उसके लिए क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने यानी एक्सप्लेनेशन के लिए अपनी तरफ से टेक्स्ट इनपुट फील्ड लिखा है ताकि यूज़र को समझ आ सके कि हम ये प्रोग्राम किस का बना रहे हैं। तो हम ये जो प्रोग्राम है वो टेक्स्ट इनपुट फील्ड का बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्या चीज़ें यानी हेडर में क्या चीज़ें टेक्स्ट इनपुट फील्ड लिखा है।
अब हम फार्म शुरू करते हैं, तो फार्म स्टार्ट करेंगे और फार्म का टैग को हम इस तरीके से लिखते हैं FORM, और उसके बाद क्या चीज़ें हम फार के लिए लेबल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने लेबल लिखेंगे, लेबल में क्या चीज़ें लेबल लिखेंगे, और उसके बाद फार लिखेंगे, और इक्वल टू डबल कोटेशन में क्या चीज़ें एफ नेम लिखेंगे, और डबल कोटेशन क्लोज करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये क्या चीज़, ये लेबल लिखने का सिंटैक्स है। और उसके बाद हमने जो भी नाम लिखना हो, मिसाल के तौर पर फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक हो गया, या एंटर द नेम लिखना है, या कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद क्या चीज़ें, आपने टैग लगा के लेबल को क्लोज कर देना है। और उसके बाद क्या चीज़ें, हमने BR, ये ब्रेक, यानी अगर हमने एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना हो तो उसके लिए जो टैग इस्तेमाल किया जाता है वो BR इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं BR लगाऊंगा और जो है वो लाइन है वो क्या चीज़ें, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। उसके बाद हम क्या चीज़ें, यानी जो भी वैल्यूज़ अगर हमने वो टेबल के, वो जो वैल्यूज़ है वो बॉक्स के अंदर लिखनी हो, यानी बॉक्स बनाने के लिए, यानी फॉर्म बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट टाइप टैक्स। यानी अगर हमने टैक्स लिखना है तो क्या करेंगे, इनपुट टाइप टैक्स लिखेंगे डबल कोटेशन में। उसके बाद ID, सेम वही उसी तरीके से ID डबल बराबर होता है एफ नेम, और बराबर होगा नेम और डबल कोटेशन, और उसके बाद एफ नेम और उसके बाद वैल्यू। और ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये HTTP, ये सिंटैक्स है किसी भी टैक्स इनपुट के लिए। और उसके बाद मकबूल, जिस तरीके से मैंने अपना नाम लिखा है तो आप यहाँ पर कुछ भी उसके अंदर लिख सकते हैं, और उसके बाद ब्रेक लगाकर आप अपना प्रोग्राम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर जिस तरीके से कहा 2 टैक्स इनपुट लिखेंगे, तो एक हमारे पास हो चुकी है। अब हम क्या चीज़ें, अगर सेकंड लिखनी है, मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट नेम लिखा था, अब हम सेकंड नेम के लिए लिखेंगे, तो फॉर्म लेबल का तमाम चीज़ वैसी की वैसी आ जाएगी। जिस तरीके से ये देखो, लेबल फॉर, ये एफ नेम था यानी फर्स्ट नेम, और उसके बाद एल नेम यानी लास्ट नेम के लिए, और मैंने यहाँ पर लास्ट नेम लिख दिया बनने के, जिस तरीके से यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको लेबल को क्लोज कर दिया, और जिस तरीके से वो बॉक्स बनेगा और उसके अंदर जो वैल्यूज़ हमने लिखनी है और वो क्या चीज़ें, वो इनपुट टाइप टैक्स में लिखेंगे। तो वो फॉर्म मैंने टेबल, जिस तरीके से इनपुट टाइप टैक्स, तो ID एफ नेम था, तो यहाँ पर क्या चीज़ें, लास्ट नेम है, और उसके बाद नेम है, नेम है, एफ नेम है, तो लास्ट नेम आ गया, वैल्यूज़ वैसी की वैसी। और यहाँ पर मैंने मकबूल लिखा था, यहाँ पर क्या चीज़ें, हुसैन लिख दूंगा। और इस तरीके से क्या चीज़ें, हम अपने प्रोग्राम फॉर्म को क्लोज करेंगे और प्रोग्राम की चीज़ें हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट क्या चीज़ें, सबसे पहले हम, ये मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, हम इसको राइट क्लिक करके ओपन करते हैं नोट पैड के अंदर। नोट पैड को ओपन किया तो ये सेम वही प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। एक मिनट, हम इस प्रोग्राम को दोबारा गेन करते हैं, वो कहीं मुझसे जी, ये हमारा प्रोग्राम है, हम इसको सेव करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद क्या चीज़ें, हम नोट पैड के अंदर प्रोग्राम को बनाते हैं। तो नोट पैड के अंदर जब भी हम प्रोग्राम को बनाएंगे तो सबसे पहले कंट्रोल एन, और उसके बाद जो वैल्यूज़ है वो हमने पेस्ट कर दी, जो भी हमने ये जो प्रोग्राम था आपके सामने बनाया हुआ था। इसको जब हमने सेव करना है तो सेव करने के लिए हम क्या चीज़ें, फ़ाइल में जाते हैं, और उसके बाद की चीज़ें, यानी फ़ाइल का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर फाइल का नेम MyFIRST फर्स्ट PROGRAM प्रोग्राम। और उसके बाद क्या चीज़ें, यहाँ पर आकर आपने यहाँ पर क्या चीज़ें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पर क्लिक करना है। उससे क्या चीज़ें, यानी जो फाइल है वो HTML की टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो आपके सामने देखिए पीछे जो है वो कोड भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसको और इसकी आउटपुट देखते हैं, तो ये देखें जो मैंने अभी प्रोग्राम बनाया था, माई फर्स्ट प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करेंगे तो आपके सामने, यानी जो ब्राउज़र है, तो ये देखें आपके सामने वही चीज़ आ गई, यानी टेक्स्ट इनपुट फील्ड ये हेडिंग के लिए, और उसके बाद फर्स्ट नेम लिखा था, और उसके बाद की चीज़ें मैंने यहाँ पर नाम लिखा था, उसके बाद लास्ट नेम, और यहाँ पर मैंने नाम लिखा था। तो ये नाम जो है आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मकबूल लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्या चीज़ें, AHMAD अहमद लिख सकता हूँ, और नीचे वाले इसको ऐसे ही सेव करते हैं। तो आपको अभी चेंजिंग करके दिखाता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें यहाँ पर क्या चीज़ें, अहमद आ चुका है।
इसको आप यहाँ से भी क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप क्या चीज़ें नेम लिख सकते हैं। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट तौर पर अगर आपने लिखना हो तो यहाँ पर लिख सकते। तो आपको समझ आ गया, यानी ये जो ऊपर फर्स्ट नेम है ये किस में लिखा जाता है, ये लेबल में लिखा जाता है, और ये जो बॉक्स के अंदर वैल्यूज लिखी जाती है ये किसके लिए लिखी जाती है, ये इनपुट टैक्स में लिखी जाती है। तो ये आपके सामने वो प्रोग्राम है जो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो उसके बाद हम क्या चीज़ें नेक्स्ट, यानी लेबल एलिमेंट्स क्या चीज़ें, अभी जो मैंने आपको बताया यानी लेबल क्या होता है, तो यानी लेबल टैग्स डिफाइन अ लेबल फॉर मैनी फॉर्म्स एलिमेंट, तो यानी बहुत सारे फॉर्म्स के लिए हम लेबल का इस्तेमाल करते थे। जिस तरह हमने लिखा था फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो वो क्या चीज़ है, जो फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम जिसमें लिखा जाता है वो लेबल में ही लिखा जाता है। लेबल एलिमेंट इज यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर यूज़र, यानी जो स्क्रीन का रीडर है यानी जो यूज़र है वो उसे पढ़ने के लिए कि भी सामने क्या लिखा है, मिसाल के तौर पर एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड, तो वो जो लफ्ज़ लिखा होता है ना एंटर योर पासवर्ड, तो वो किस में लिखा जाता है, वो उसके बैकग्राउंड पर जो हम टैग इस्तेमाल करते हैं वो लेबल का टैग ही इस्तेमाल होता है। लेबल एलिमेंट्स आल्सो हेल्प यूज़र हु हैव डिफ़िकल्टी क्लिकिंग ऑन वेरी स्मॉल रीजन, मिसाल के तौर पर सच एज रेडियो बटन और चेक बॉक्स हो गया, बिकॉज व्हेन द यूज़र क्लिक द टेक्स्ट विद इन द लेबल एलिमेंट, मिसाल के तौर पर यानी लेबल सिर्फ यूज़र को सिंपलीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि यूज़र को समझ आ सके वो हमसे मांग क्या रहा है। तो द फॉर एटीबूट्स ऑफ द लेबल टैग्स शुड बी इक्वल टू द आईडी एटीबूट्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स टू बाइंड देम टूगेदर। अब उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन था वो हमारे पास था रेडियो बटन, तो उसके लिए सेम वही सिंटैक्स है टेक्स्ट वाला, लेकिन जहाँ पर टेक्स्ट लिखा था वहाँ पर हम क्या चीज़ें रेडियो का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। इनपुट टाइप डबल कोटेशन में क्या चीज़ें रेडियो लिखा जाता है, रेडियो बटन लेट अस सिलेक्ट वन ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस, ये रेडियो बटन में हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होते हैं और उनमें से सिर्फ एक जो है सिलेक्ट की जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये प्रोग्राम है जो स्क्रीन पर आपके सामने नज़र आ रहा है, सेम वही प्रोग्राम है हमारे पास, यहाँ पर मैंने H2 में रेडियो बटन लिख दिया और उसके बाद के चीज़ें यानी रेडियो यहाँ पर सेम वही चीज़, इनपुट टाइप रेडियो, आईडी मेल, और उसके बाद नेम और डबल कोटेशन में जेंडर लिखा है, और उसके बाद के चीज़ें मेल लिख दिया, सेम उसके बाद के चीज़ें हम लेबल लगाएंगे और लेबल में क्या चीज़ें हमने मेल वगैरह लिख दिया। सेम आगे इसी तरीके से जब दूसरा इनपुट लिखते हैं इनपुट टाइप रेडियो आईडी फीमेल, तो फीमेल के लिए हमने लिखा और उसके बाद की चीज़ें फीमेल का हमने लेबल लिख दिया। फिर इनपुट टाइप रेडियो में हमने अदर्स लिखा, हो सकता है मेल हो फीमेल हो या अदर हो, और सेम उसी तरीके से क्या चीज़ें हमने उसको लेबल फॉर इक्वल टू अदर डबल कोटेशन। और हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि भी किस तरीके से हमने इसको बनाया। ये हमारा प्रोग्राम है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए के ज़रिए और इसको कॉपी करते हैं, और उसके बाद क्या चीज़ें नोट पैड में जाते हैं और यहाँ पर क्या चीज़ें कंट्रोल एन करते हैं और यहाँ पर सेव करते हैं, और उसके बाद क्या चीज़ें वो सेम वही प्रोसीजर हम क्या चीज़ें यानी माय फर्स्ट प्रोग्राम था, यहाँ पर क्या चीज़ें हम माय सेकंड प्रोग्राम लिख देते हैं, माय सेकंड प्रोग्राम, और सेम उसको जब भी आपने सेव करना है किसे करना है यानी HTML से सेव करना, और उसके बाद क्या चीज़ें इसको सेव करेंगे तो ये वही प्रोग्राम आपके सामने आ चुका है। जिस तरीके से मैं इसको अलहदा अलहदा करके आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें जी हमारे पास इनपुट टाइप रेडियो आईडी है मेल, और उसके बाद सेम वही चीज़ें मेल है फीमेल है अदर है, बाकी सारा कुछ वही है, सिर्फ एक सिंटैक्स आपको जहन में होना चाहिए, बाकी आप सारे सिंटैक्स वैसे का वैसे ही लिख सकते हैं। और इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तो ये देखें हमने प्रोग्राम सेव किया तो यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके सामने आ चुके हैं, रेडियो बटन हेडर में लिखा था और उसके बाद अब देखें मेल पर क्लिक हुआ है या फीमेल पर या अदर पर, तो यानी चेक बॉक्स को क्लिक करने के लिए हम यानी मेल है फीमेल है तो इस पर हम क्या चीज़ें यानी रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हमारे पास है सबमिट बटन, मिसाल के तौर पर यूज़र नेम लिखा होता है, उसके बाद पासवर्ड लिखा होता है और नीचे छोटा सा बटन बना होता है यानी सबमिट का या लॉगिन का, ठीक हो गया, या लॉग आउट का, तो उसके लिए क्या चीज़ें सबमिट बटन का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है।
तो सेम वही प्रोग्राम है हमारे पास, सिर्फ टेक्स्ट की जगह पर हमने सबमिट लिख देना, बाकी इसमें किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो फॉर्म हैंडल इज टिपिकली अ पेज ऑन द सर्वर विद दिस स्क्रिप्ट टू द प्रोसेसिंग इनपुट, यानी जो फॉर्म होता है वो जो भी वैल्यू होगी वो किसको दे देता है, वो प्रोसेसर को देता है यानी सर्वर को, और उसके बाद की चीज़ें वो प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है। दी फॉर्म हैंडल टू स्पेसिफाई दी फॉर्म ऑफ एक्शन दी एटीब्यूट। तो ये सामने हमारे प्रोग्राम है, स्क्रीन पर आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये देखिए हमारे पास फॉर्म एक्शन पेज PHP, और उसके बाद लेबर फर्स्ट नेम, और उसके बाद हमारे पास पेज है, उसके बाद लास्ट नेम, और उसके बाद हमारे पास वो नेम है, वही प्रोग्राम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। और सिर्फ इसमें हमने इनपुट टाइप डबल कोटेशन के अंदर सबमिट, डबल कोटेशन वैल्यू बराबर होता है सबमिट, ये इजाफा किया, और उसके बाद की चीज़ें बाकी प्रोग्राम वैसे का वैसी है। हम इसको प्रैक्टिकली देख करके देखते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारे पास है, हम इसको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद की चीज़ें हम इसको प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं कंट्रोल वी, और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं माई थर्ड प्रोग्राम PROGR प्रोग्राम, और हमने क्या चीज़ें .html के ज़रिए क्या चीज़ें हमने इसको सेव कर दिया। और उसके बाद अब देखेंगे ये वो प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पर बन चुका है। तो जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो वो ये देखें जी हमारे पास आ चुका है HTML, यानी जॉन लिखा है, उसके बाद लास्ट नेम में हम DOE लिखा हुआ है, उसके बाद की चीज़ें सबमिट है। यहाँ पर हम क्या चीज़ें, यानी आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जॉन था, यहाँ पर क्या चीज़ें हम MUHAWM मोहम्मद और मोहम्मद अली, और उसके बाद जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो हम जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए मोहम्मद अली आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। और ये क्या चीज़ें, ये बटन का ऑप्शन है, लेकिन मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो वो क्या चीज़ें, वो योर फाइल वाज नॉट फाउंड, क्योंकि इसके बैकग्राउंड पर हमने जो है वो प्रोसेसिंग नहीं की हुई, यानी सर्वर गूगल के साथ इसका कनेक्शन नहीं है, इसलिए क्या चीज़ें ये खाली वैसे का एरर दे रहा है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ीमानिल्लाह।